हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ABC एप्टीट्यूड बूस्टर क्लास, वेयर यू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स। आज हम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज ये परसेंटेज का इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें मैं आपको परसेंटेज के बारे में बताऊंगा कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज टॉपिक में क्या क्या हमें पढ़ना है, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और इस चैप्टर पर बेस्ड कितने चैप्टर्स हैं। तो मैं पूरी चीज़ बताऊंगा कि परसेंटेज के बारे में, पूरा इंट्रोडक्शन क्लास होगा ये। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज होता क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए व्हाट इज परसेंटेज। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, परसेंटेज इज अ नंबर और रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। इट इज डिनोटेड बाय परसेंट साइन। इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज एक ऐसा नंबर है जिसे 100 के फ्रैक्शन में रेशियो की तरह एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि देखिए, और इसे परसेंट साइन से डिनोट करते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 20%। तो 20%, अब देखिए ये 20% हो गया हमारा। अब इसे लिखते कैसे हैं, 20/100, या फिर इसे अगर लिख सकते हैं, एक और तरीका होता है, देखिए ये 100 के फ्रैक्शन में डिनोट किया गया है, और यह देखिए अगर 20 हटाएंगे तो 0.20 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा परसेंटेज को डिनोट करने का तरीका होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर 100 रुपये हमारे पास हैं तो 100 रुपये में 20 रुपये, अगर हमारे पास 200 रुपये हैं तो 200 रुपये का अगर 20% हमें निकालने के लिए बोला जाए, 200 रुपये का 20%, तो 100 रुपये में 20%, यानी अगर 200 रुपये का 20% बोला जा रहा है निकालने का, तो कहा जा रहा है कि 100 में 20, यानी 200 में कितना, तो 100 में 20, तो 200 में 40, 20 और 20। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। अब चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। मान लीजिए ए और बी दोस्त हैं। ए बी को बोलता है कि मैंने एक लॉटरी की टिकट खरीदी है जिसमें फर्स्ट प्राइज आपका 10,000 है, सेकंड प्राइज 5,000 और थर्ड प्राइज 2,000। तो ए बी को बोलता है, प्रॉमिस करता है कि अगर मैं प्राइज, कोई भी प्राइज जीतता हूँ तो उसका 20% मैं तुम्हें दूंगा। तो अब चलिए ए जो है वो आपका थर्ड प्राइज जीत जाता है, तो इस केस में उसे 2,000 मिलते हैं ए को। ए को जब 2,000 मिलते हैं तो वो बी को प्रॉमिस किया होता है कि इसका 20% देंगे। तो 20% कहने का मतलब क्या कि हर 100 में 20, तो 2,000 में कितना 100 होता है, 20 100 होता है। मतलब अगर 2,000 रुपये आपको दिए जाएं, 100 100 का नोट हो सपोज करिए, तो ए बी को बोला है कि हर 100 में 20 रुपया देंगे, 20% का मतलब यही होता है। तो ए के पास कितना 100 का नोट होगा, 20 100 का नोट होगा, तो 20 100 का नोट होगा, तो हर 100 के नोट में वो 20 रुपये दे रहा है, तो 20 100 के नोट में कितना देगा, 20 × 20 कितना देगा, 400। तो ए बी को 400 रुपीज़ देगा। तब इसे निकालते कैसे हैं, 20% अगर हमको 2000 का निकालना है, तो ये तो हमने यूनिट्री मेथड से देखा कि हर 100 में 20 रुपया, तो हमने 20 100 का नोट था तो 20 × 20 कर दिया। अब देखिए इसको निकालने का तरीका होता है, अगर 2000 है तो इसका 20% देने का प्रॉमिस किया है, तो इसका 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100। अब ये देखिए, ये जीरो कैंसल, 200 × 2 = 400। तो फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो 400 ए बी को देगा। तो आपको परसेंटेज का बेसिक समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि हमें परसेंटेज में क्या क्या पढ़ना है और इस पे बेस्ड चैप्टर कौन कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाया है कि परसेंटेज पे बेस्ड चैप्टर कौन से हैं और परसेंटेज में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए परसेंटेज चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसे एकदम स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको स्किप करने का मतलब 3-4 चैप्टर और स्किप हो जाएगा आपका, और साथ साथ ये हर चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो अब देखते हैं चैप्टर परसेंटेज पे डायरेक्टली बेस्ड ऑन परसेंटेज कौन कौन से चैप्टर हैं। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो पूरी तरह से परसेंटेज पे बेस्ड है, सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरह से परसेंटेज पे बेस्ड है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी पूरी तरह से परसेंटेज पे बेस्ड है, और DI में भी मैक्सिमम परसेंटेज का यूज़ होता है, परसेंटेज एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन। तो DI में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज आर यूज्ड इन ऑल चैप्टर्स। तो हर चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो आपको परसेंटेज पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए हमें परसेंटेज में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमें रेसिप्रोकल वैल्यूज पढ़ना है। रेसिप्रोकल वैल्यूज 1 से 1/1 से लेकर 1/30 तक का रेसिप्रोकल, मतलब 30 तक का रेसिप्रोकल हमें याद करना होगा परसेंटेज के टर्म में। ये आपको कोई भी कैलकुलेशन करने में बहुत सारा टाइम बचा देगा अगर ये आपको याद रहेगा तो। तो फिर अगला चीज़ हमें क्या पढ़ना है, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स, परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्या क्या बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। फिर बेस एंड कीवर्ड्स, इसका मतलब क्या होगा कि परसेंटेज का बेस क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में हम परसेंटेज निकालते हैं, और उसे पहचानने का तरीका,
कीवर्ड्स उसका क्या है कि बेस पहचानने का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर परसेंटेज का बेस आप रिकॉग्नाइज कर लोगे कि किसके रिस्पेक्ट में हमें परसेंटेज निकालना है, तो आप इजीली कोई भी सम को हल कर लोगे। अगर नहीं पहचान पाओगे तो आप गलत आंसर निकालोगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चलिए आगे देखते हैं परसेंटेज चेंज। ये परसेंटेज चेंज भी बहुत ज़रूरी है, ये स्पेशली आपको डीआई में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो परसेंटेज चेंज और इसका फॉर्मूला भी जानना बहुत ज़रूरी है। फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स, अगर आपको जल्दी से कोई भी कैलकुलेशन करना है इस चैप्टर में, तो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, इसके बारे में पढ़ना है। और फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ऑन एंड शॉर्ट ट्रिक्स, हमें परसेंटेज पर हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन कुछ करेंगे और उसका शॉर्ट ट्रिक बनाने का शॉर्ट तरीका देखेंगे कि कैसे हम बना सकते हैं। फिर आपका पॉपुलेशन एंड डेप्रिसिएशन पे बेस्ड जो परसेंटेज का क्वेश्चन होता है वो करेंगे। तो इतना करने के बाद जो है हमारा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, मतलब इतना चीज़ कर लेने के बाद आप अच्छी तरह से परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। और फिर इसके बाद मैं जो है इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक का। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको रेसिप्रोकल वैल्यूज़ बताऊंगा और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कैसे इसको निकाला जाता है, कितना तक याद रखना है, और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि ये आपका कितना टाइम सेव कर सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेसिप्रोकल वैल्यूज़ बताऊंगा और फिर उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट, इसी ऑर्डर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फिर यहां तक ख़त्म होने के बाद हम उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आज बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज़ हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।